वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे उन ड्रॉबैक्स को मनी के एवेल्यूएशन होने के बाद कैसे मनी ने उन ड्रॉबैक्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, सीसी इकोनॉमी क्या होती है, और सेल और परचेज को किस तरीके से मनी ने सेपरेट किया है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी हमारा आज का टॉपिक है। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। नंबर वन, फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। पहला जो पॉइंट हमारा क्या है, या पहला जो टाइप है या फॉर्म है मनी का, वो क्या है हमारा, फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। सेकेंड पॉइंट है हमारा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो ये दो तरीके के फॉर्म होते हैं मनी के, पहला होता है फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, दूसरा होता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी क्या होता है। फिएट मनी रिफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिएट मनी क्या होती है, ऐसी मनी जो कि कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की होती है उसके थ्रू इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं फिएट मनी। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी मनी इशू की जा रही है, जैसे RBI है अपने इंडिया में, वो मनी को इशू करता है, तो इस कंडीशन में जो मनी इशू की जा रही है, तो जितने भी उस कंट्री में पीपल्स हैं या जो सिटीज़न उस कंट्री के हैं, तो वो बाउंड हैं या बंधे हुए हैं, या उनको सिर्फ जो मनी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू इशू की जा रही है वो ही उन पर्सन्स को लीगली यूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस मनी के अलावा कोई भी और दूसरी मनी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप डॉलर को इंडिया में यूज़ करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डॉलर इशू नहीं करती है। इंडियन गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है, रुपी कॉइन्स एंड रुपी नोट्स इशू करती है। तो आपको केवल नोट और सिक्के ही यूज़ करने हैं जो कि रुपए होने चाहिए, ठीक है। अपने इंडिया की करेंसी रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रुपए ही यूज़ करना है, अदर कोई करेंसी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये तो था हमारा फिएट मनी। सेकेंड है हमारा फिड्यूसरी मनी। तो फिड्यूसरी मनी इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो फिड्यूसरी मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी वो मनी होती है कि जिसको जो पेई होता है और जो पेयर होता है, उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट के थ्रू जो मनी सॉरी एक्सचेंज की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग फिड्यूसरी मनी, ठीक। तो अब जैसे कोई शॉपकीपर है, ठीक है, आप शॉपकीपर किसी होलसेलर से जब कोई भी गुड्स परचेज करता है तो क्या करता है, उसको एक चेक दे देता है, ठीक है। तो चेक क्या हो गया हमारा, चेक हो गया हमारा फिड्यूसरी मनी। मींस ऐसे नोट्स, ठीक है, जो मनी के बिहाफ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग फिड्यूसरी मनी। इसका एक एग्जांपल है, चेक्स आर फिड्यूसरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो जो चेक होता है वो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है कि आप उसको मनी की जगह यूज़ कर सकते हैं, जी नहीं, उस चेक के बदले आपको मनी ही मिलनी है। तो सिर्फ केवल ट्रस्ट के बिहाफ पे आप चेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मनी के अलावा जो ट्रस्ट के बिहाफ पे जो भी हम मींस ऑफ पेमेंट्स यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फिड्यूसरी मनी। तो ये था हमारा फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फिएट मनी जो होती है गवर्नमेंट यूज़ करती है, और जितने भी सिटीज़न होते हैं उस कंट्री के, वो बाउंड होते हैं उस मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने के। और फिड्यूसरी मनी क्या होती है, ऐसा मोड ऑफ पेमेंट जो कि ट्रस्ट के बिहाफ पे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिड्यूसरी मनी, जैसे चेक।
सेकेंड फॉर्म क्या था हमारा, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी क्या है, फुल बॉडीड मनी रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एंड एज एंड व्हेन दीज आर इश्यूड। तो फुल बॉडीड मनी क्या होती है, ऐसी मनी जो कि कॉइन होती है और उसकी वैल्यू जो मनी है उसकी वैल्यू के बराबर होती है। वो जो कॉइन है उस कॉइन की वैल्यू उस मनी के बराबर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी। अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए, ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू जो मनी है उसकी वैल्यू के बराबर हो, उसको बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी। जैसे अ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ठीक, कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन वॉज इक्वल टू 1 rupees। अब जैसे 1 rupee है, 1 rupee का सिक्का है, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में वो 1 rupee का सिक्का जो होता था वो चांदी से बनता था। ठीक, ऐसा तो है नहीं वो पूरा 1 rupee का सिक्का चांदी से बना देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू होगी सिल्वर की या चांदी की उसके बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी मनी, जो वो सिक्का है उसके उससे ज़्यादा हो जाएगी, जो मनी है जिसके लिए वो सिक्का बनाया गया है उस मनी उसकी मनी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर 1 rupee का सिक्का है तो ये देखा जाता था कि उस कॉइन में उस 1 rupee के बराबर की चांदी यूज़ की गई हो। ठीक, ऐसी मनी को बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी। मींस जिस भी मेटल का कॉइन बन रहा है उसकी वैल्यू जो है वो मनी के बराबर होनी चाहिए। सेकेंड आता है क्रेडिट मनी, रिफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू। तो क्रेडिट मनी क्या होती है, ऐसी मनी जो किसी कमोडिटी की वैल्यू से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। जैसे व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रुपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया। अपने इंडिया में जिस मेटल से 1 rupee का सिक्का बनता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रुपी कॉइन। जाहिर सी बात है जो रुपी कॉइन की वैल्यू है उससे कहीं कम है, अदरवाइज पीपुल वुड हैव मेटल्ड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन 1 rupee। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, उस मेटल के कॉइन्स बनाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे और वो भी 1 rupee से ज़्यादा कीमत पे। इसीलिए जो 1 rupee के सिक्के में मेटल यूज़ होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 rupee से कम होती है, नहीं तो अगर 1 rupee से ज़्यादा होगी तो हर आदमी उस मेटल के सिक्के बना के मार्केट में बेचता रहेगा और पैसे कमाता रहेगा। इसलिए ऐसी मनी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को कि 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं मनी के, पहला होता है फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, दूसरा होता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में क्या है, जैसे फुल बॉडीड मनी लिखा है, मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, जो मनी वैल्यू होती है वो कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। दूसरा है क्रेडिट मनी, तो क्रेडिट मनी क्या होती है, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, जो कमोडिटी यूज़ की जा रही है उससे ज़्यादा होती है मनी की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सप्लाई ऑफ मनी। इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए आइए इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। हमें क्या बोला गया इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी में डिस्टिंग्विश करिए। तो देखते हैं क्या होता है,
Money value of money refers to the value which is inscribed on a coin or written on a paper note. तो money value क्या होती है? ऐसी value जो किसी coin पे या किसी note पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग money value. जैसे एक note है उस पर 10 लिखा हुआ है तो उसकी value क्या हो गई? 10 रुपये हो गई. कोई सिक्का है उस पर 5 लिखा है या 1 लिखा है या 2 लिखा है तो जितना भी नंबर लिखा है वो उसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मनी वैल्यू. दस मनी वैल्यू ऑफ अ पेपर नोट इज व्हाट इज रिटन ऑन इट. 100 रुपी, 500 रुपी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है. अगर एक पेपर पे, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट बॉडी इश्यू कर रही है उस पर एक नंबर लिखा हुआ है तो उस पेपर की वैल्यू उस नंबर के बराबर होती है. अब चाहे उस पर 100 लिखा हो, चाहे 500 लिखा हो, चाहे 2000 लिखा हो, ठीक है, तो वो उसके बराबर ही उसकी मनी वैल्यू होती है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. विद अ 500 रुपी नोट यू कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 500 रुपीज इन द मार्केट. तो इससे क्या होता है, आप उस नोट के बदले में उसी नोट की वैल्यू के बराबर का सामान मार्केट से परचेज कर सकते हैं. आप 2000 का नोट मार्केट में लेके जा रहे हैं तो 2000 रुपये के बराबर का आप मार्केट से सामान परचेज कर सकते हैं. 500 का नोट लेके जा रहे हैं तो 500 रुपये के नोट के बराबर आप मार्केट से सामान परचेज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये तो था हमारा मनी वैल्यू ऑफ मनी. सेकेंड हमारा कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू वैल्यू ऑफ द कमोडिटी दैट द मनी इज मेड ऑफ. ठीक, कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? ऐसी वैल्यू जिसके थ्रू उस मनी को क्रिएट किया गया है. ठीक है, जैसे कॉइन बनाया जा रहा है तो कॉइन में जिस मेटल का यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू को बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. Thus, if coins are made of gold or silver, commodity value of money refers to the market value of the gold or silver contained in the coin. तो आप मान लीजिए जैसे ब्रिटिश पीरियड में सिल्वर के, गोल्ड के कॉइन्स बनते थे. ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम मेटल के कॉइन बनने लगे. ठीक, तो जिस भी मटेरियल से कॉइन बन रहे हैं उस मटेरियल की उस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, कि जो कॉइन में कितना यूज़ किया गया है मटेरियल उसके बराबर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इससे पता चलता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. मींस एक कॉइन बनाने में जितना भी मेटल यूज़ किया गया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. अब आज के टाइम पर मान लीजिए करेंट में जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 48,000 या 49,000 चल रहा है. ठीक है, पर 10 ग्राम. ठीक, अब मान लीजिए एक 10 ग्राम का सिक्का है, चांदी का, सोने का सिक्का आप ख़रीद रहे हो और ज्वेलर के यहाँ से, तो वो सिक्का तो आपने ख़रीद लिया, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 49,000 रुपीज़. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो गोल्ड से बना हुआ है, उस कॉइन में इतना गोल्ड कंटेंट है कि उसकी वैल्यू 49,000 रुपीज़ हो गई है ऑटोमेटिक. ठीक, तो इसको बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन मनी प्लेज नो रोल व्हाट्स ओवर. क्या आप ऐसी सिचुएशन थिंक कर सकते हैं जहाँ मनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती है? तो इसका आंसर है मनी प्लेज नो रोल इन सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज. तो ऐसी सिचुएशन में मनी कोई रोल प्ले नहीं करती है जहां पर किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा हो. ठीक है, जैसे एन इंडिविजुअल और अ फैमिली सर्वाइविंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज. ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है या कोई फैमिली है किसी जगह पे फंस गए हैं, किसी आइलैंड पे फंस गए हैं या जंगल वगैरह में फंस गए हैं, तो वहाँ से जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसका कोई पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे मनी किसी भी तरीके का कोई रोल प्ले
नहीं करती है, ठीक है। या मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, वहाँ पे आप लंच या डिनर के लिए इनवाइटेड हैं, तो आप उनको पैसे दे के नहीं आ रहे हैं उस लंच या डिनर के बदले में। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, मनी किसी भी तरीके का कोई रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई पीपल होल्ड नोट्स एंड कॉइन्स व्हेन इट इज क्लियर दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू मींस कमोडिटी वैल्यू ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लोग हैं वो नोट या कॉइन्स को क्यों यूज़ करते हैं जबकि उनकी कमोडिटी वैल्यू जो होती है वो लगभग निल होती है, ठीक। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है बिकॉज नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स। क्यों? क्योंकि नोट्स और कॉइन्स को क्या है, गवर्नमेंट बॉडी ने इशू किया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI ने इशू किया है, किसके लिए, फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। दीज आर फिएट मनी और द मनी बैग्ड विद अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो कॉइन्स एंड नोट्स हैं ये क्या है, फिएट मनी है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इस मनी को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने बैक किया हुआ है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इश्यू किया हुआ है। इट इज़ अनलॉफुल नॉट टू एक्सेप्ट नोट्स एंड कॉइन्स फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब अगर हम उन नोट्स एंड कॉइन्स का यूज़ नहीं करेंगे कोई भी पेमेंट करने में या पेमेंट रिसीव करने में, तो ये क्या होगा, इलीगल होगा या अनलॉफुल होगा, ठीक है। तो कॉइन्स और नोट्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट बॉडी ने इशू किया हुआ है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या इसको लीगलाइज किया हुआ है फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, क्लियर है। और एनी अदर कंट्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री विल इशू द सेम, क्लियर है ये। चलिए ये तीन क्वेश्चंस थे, इनको समझिएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ बताई गई है इसमें, इसको ज़रूर समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी में अब क्या कहता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज़ रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पीपल हैं उस कंट्री के, उनके पास कितना रुपया स्टॉक किया हुआ है, या जो मनी है वो कितनी स्टॉक की गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी या स्टॉक कॉन्सेप्ट। It is important to note that the supply of money does not include stock of money held by the government and stock of money held by the banking system of a country. तो ये ज़रूरी होता है supply of money में या stock concept में कि दो point हमें ज़रूर ध्यान रखने होते हैं कि इनको नहीं लेना होता है। कौन से दो point हैं जिनको हमें ध्यान में नहीं रखना है? पहला कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है या हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, हमें इसको कंसीडर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या हमें कंसीडर नहीं करना है, कि जो भी कंट्री के बैंक्स हैं उन बैंक्स में कितना रुपए डिपॉजिट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, बैंक के पास कितना पैसा है, इनसे सप्लाई ऑफ मनी या स्टॉक कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है और जो बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस कंट्री के सप्लायर होते हैं मनी के, ठीक। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। तो ऐसी मनी जो कि सप्लायर्स होल्ड कर रहे होते हैं, तो इनको हम कैसे सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री ट्रीट नहीं करते हैं, पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री ट्रीट नहीं करते हैं।
तो हम केवल कौन सा पैसा करते हैं कि मान लीजिए आज अभी आपके जेब में कितना रुपया है, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी पॉकेट में कितना रुपया है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट या सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय पीपल। तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या इंक्लूड किया जाता है, वो मनी जो कि पीपल अपने पास होल्ड करता है, ठीक, अदर देन सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्फ, जो सप्लायर्स हैं उनके अलावा जो मनी अपने पास वो कैरी कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी। अब जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 कोई भी अमाउंट एक आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो उस अमाउंट को हम सप्लाई ऑफ मनी के टर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं, केवल हम उस मनी को यूज़ करेंगे जो प्रेजेंट टाइम पे आपकी पॉकेट में है। ठीक, बैंक में कितना है उससे कोई मतलब नहीं, आपकी पॉकेट में कितना है केवल उससे मतलब होता है। ठीक, सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज हु डिमांडेड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, किसको रेफर करता है, मतलब ऐसा स्टॉक ऑफ मनी जो कि डिमांड करने वालों के पास है, ना कि सप्लाई करने वालों के पास होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। अब मनी के प्रोड्यूसर्स कौन कौन है ये पूछ रहा है अब इसमें। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी रिफर्स टू द सप्लायर्स ऑफ मनी, जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी होते हैं, जो सप्लायर ऑफ मनी होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहला है द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है सप्लायर। दूसरा होता है द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग बोथ द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है कंट्री का, जिसमें कि सेंट्रल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक दोनों ही इंक्लूड रहते हैं, इनको ही हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर ऑफ मनी या सप्लायर ऑफ मनी। क्लियर है ये सबको? तो आज की वीडियो में इतना ही, आपका काम इतना है कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं या जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से समझना है, साथ ही साथ जो इसके साथ आपको वर्कशीट मिलेगी उसको अपनी कॉपी में करना है, और जो वर्कशीट मिलेगी वो जितना आपने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट भी मिलेगी। क्लियर है ये?